दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम कर रहे हैं ई कॉमर्स प्रोजेक्ट पे ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का लेक्चर नंबर 24 है। इसमें हम मैनेज कैटेगरी वाला पेज डिज़ाइन करेंगे और उसके अंदर हमारी कैटेगरी है उसको हम शो कर पाएंगे। ये वाला काम हम अपने एडमिन पैनल के अंदर करेंगे। ये हमारा मैनेज कैटेगरी का पेज है और ये हमारी टेबल है जिसमें हम कैटेगरी को शो कर रहे हैं, और यहाँ से हम अपनी कैटेगरी को डिलीट और एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने एडमिन पैनल पर आते हैं। इसके अंदर हम चलेंगे मैनेज कैटेगरी वाले पेज पे। ठीक है, तो एडिटर में आएंगे। एडिटर के अंदर हमें जाना है एडमिन के अंदर टॉप बार में। टॉप बार के अंदर हमने लिंक बनाया था ऐड कैटेगरी पर, अब हम एक लिंक देंगे मैनेज कैटेगरी पर। ठीक है, मैनेज कैटेगरी को लिंक देंगे तो यहाँ पे हमें लिखना है मैनेज कैटेगरी। ठीक है, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं अपने एडमिन पैनल पे और हम अपने साइड मेन्यू में कैटेगरी के अंदर मैनेज कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो 404। ठीक है, फंक्शन नहीं बना हुआ अभी इसमें, तो कंट्रोलर में जाना है। कंट्रोलर में जाने के बाद हमें जाना है ऐड कैटेगरी वाले फंक्शन पे। इसको पूरा कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें हम लिखते हैं मैनेज कैटेगरी। अभी हम इसको फिलहाल हटा देते हैं, इससे अभी हमें कोई काम नहीं है। ओनली हमें ये पेज चाहिए और इस पेज का नाम भी चेंज कर देते हैं मैनेज कैटेगरी, और इसमें अभी कोई भी डाटा नहीं है तो इसको खाली छोड़ देते हैं। ठीक है, और हमें क्या करना है, अब ऐड कैटेगरी वाले पेज को कॉपी और नई फाइल में सेव करना है मैनेज कैटेगरी डॉट पीएचपी के नाम से। ठीक है, ये हमारा दूसरा पेज बन गया। अब हमें क्या करना है कि इस पेज को हटा देते हैं पूरा। ठीक है, ये पूरा हमने खाली कर दिया इस पेज को, और जो इसकी सीएसएस वगैरह है इनपुट फाइल वाली और इनपुट बॉक्स वाली, इसको भी हम हटा देते हैं। टाइटल चेंज करेंगे सबसे पहले मैनेज कैटेगरीज। ठीक है, कैटेगरीज मैनेज कैटेगरी। अब हमें क्या करना है, कंटेनर बनाना है सबसे पहले। कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमें एक कार्ड बनाना है, टू डी आई वी क्लास कार्ड। कार्ड के अंदर हमें बनाना है कार्ड कंटेंट। ठीक है, तो ये हमारा कार्ड कंटेंट हो गया सिंपल। और इसके अंदर हमें हेडिंग देनी है H5 में मैनेज कैटेगरीज। ठीक है, तो दूसरा भी हमें वापस से कार्ड कंटेंट बनाना है, और इसके अंदर हमें टेबल बनानी है एक। ठीक है, तो टेबल क्लास रहेगा टेबल। इसके अंदर हमें क्रिएट करने हैं टी आर के अंदर हम बनाएंगे टेबल हेडिंग। सबसे पहले है इमेज, ठीक है, दूसरा हम बनाएंगे कैटेगरी का नेम, तीसरा हमें बनाना है प्रोडक्ट्स की इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट लिस्ट है और इस कैटेगरी का स्टेटस क्या है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट रहेगा वो हमारा एक्शन रहेगा, एक्शन। ठीक है, तो ये हमने हेडिंग बना ली टेबल हेडिंग। रीलोड करते हैं पेज को, और जो ये कार्ड कंटेंट बनाया है इसकी पैडिंग हमें 0 देनी है, 0 पिक्सल। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो ये इमेज है इसको हमें सेंटर कराना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और जो एक्शन वाला दिया है इसको भी टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना है। ठीक है, इन दोनों को हमने सेंटर में कर दिया। अब हम आ जाते हैं हमारे अगले टीआर के ऊपर। इसमें हमें टी डी देना है,
और इसके अंदर सबसे पहले हमें इमेज बनानी है, तो इमेज के लिए हमने यहाँ पे भी बना रखा है, ये हमारी सेंटर के अंदर इमेज है, ठीक है। कॉपी कर लेते हैं यहाँ से अभी, और अभी हम इसको हटा देते हैं, ठीक है। और जो हमारी इमेज फोल्डर में है एसेट्स, एसेट्स के अंदर इमेज के अंदर लोगो डॉट पीएनजी, इस नाम से अभी हमारे पास एक इमेज है, ठीक है। और अभी हमें क्या देना है, कैटेगरी का नेम देना है। तो कैटेगरी का नेम हमारा रहेगा कैटेगरी नेम, उसके बाद प्रोडक्ट रहेगा कि इस कैटेगरी के अंदर कितने प्रोडक्ट हैं। तो जैसे कि हमारे पास है, जैसे कि 25 प्रोडक्ट हैं इस कैटेगरी के अंदर, ठीक है। और इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस अभी हम जैसे एक्टिव कर देते हैं, ठीक है। और इस पर एक्शन का बटन लगाना है, तो इसमें बटन लगा देते हैं AHRF। इसको क्लास दे देते हैं BTN, BTN इसको दे देते हैं फ्लैट, BTN फ्लोटिंग, ठीक है। और इस पर हमें आइकन लगाना है स्पैन क्लास फा, जो डैशबोर्ड के अंदर हमने आइकन लगा रखा है वही आइकन हमें इसमें लगाना है। तो इस आइकन का क्या नाम था डैशबोर्ड के अंदर, ये रहा एलिप्सिस वी, ठीक है। कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं एलिप्सिस वी को, तो ये हमारा आइकन हो गया। इसको भी हमें सेंटर देना है, तो इसको हमें क्या करना है, टेक्स्ट लाइन सेंटर, ठीक है। सेंटर दे देते हैं इसको यहाँ से टैग लगा के, ये हमारा सेंटर में आ गया। अब हम इसका बटन का जो होवर है उसको चेंज कर देते हैं BTN फ्लॉट, BTN फ्लैट पे जब होवर होगा तो बैकग्राउंड कलर WF3D00 रहेगा और इसका कलर वाइट रहेगा, ठीक है। ये हमने कलर चेंज कर दिया। अब जो ये क्लिक होने पे पेज रीलोड हो रहा है, तो इसको भी हम बंद कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये रीलोड नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया सिंपल, इसको थोड़ा सा साइज़ छोटा कर देते हैं इसका, ठीक है। और इसको कलर दे देते हैं कलर ग्रे। इसी तरह से प्रोडक्ट की जो काउंट प्रोडक्ट हो रहा है उसको भी इतना ही फॉन्ट साइज देते हैं और इसकी स्टाइल भी यही देते हैं, तो तीनों की हमारी सेम हो गई, ठीक है। और हमें क्या करना है, जो हम इमेज दे रखी है इसकी हम साइज़ थोड़ा और भी छोटा करना चाहते हैं, तो 40 पिक्सल हम इसकी साइज़ कर देते हैं, ठीक है। 40 पिक्सल हमारी साइज़ हो गई, तो ये सिंपल सा हमारा ये पेज बन गया है। अब हम इसको क्या करना है कि जो हमने पेज बनाया है इसके अंदर हमें वो डाटा लेके आना है कैटेगरी वाला, तो रूल मॉडल के अंदर फैच ऑल रिकॉर्ड्स, ठीक है। टेबल का नाम है MS कैटेगरीज, और इसमें हम क्या पैरामीटर पास कर रहे हैं, अभी इसके अंदर अभी हम पास कर रहे हैं ऑर्डर डिसेंडिंग रहेगा, और लिमिट अभी हमारे को सारा चाहिए तो इसको हम लिमिट दे देते हैं, ठीक है। और इसको हम एक वेरिएबल में डाल देते हैं कैटेगरीज के नाम से, और इसके अंदर यहाँ पे इस वेरिएबल को पास कर देंगे, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन अगर हमने नहीं बना रखा तो इसको हम बनाना पड़ेगा, तो हमें जाना है हमारे मॉडल के अंदर, फंक्शन बनाते हैं पब्लिक फंक्शन फैच ऑल रिकॉर्ड्स। सबसे पहला हमारा पैरामीटर टेबल नेम है, दूसरा है हमारा ऑर्डर, तीसरा है हमारा लिमिट, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं क्वेरी डॉलर दिस db
सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम के बाद ऑर्डर बाय, ठीक है, आईडी इसकी क्या रहेगी, जो ऑर्डर आ रहा है वहाँ से वो रहेगी, ठीक है, अगर असेंडिंग आ रहा है तो असेंडिंग, नहीं तो डिसेंडिंग रहेगा, ठीक है। और जो इसकी लिमिट है वो कैसे निकालेंगे हम, कि जो लिमिट का वेरिएबल है इक्वल इक्वल अगर लिमिट है तो लिमिट कुछ भी नहीं रहेगी, एल्स, एल्स के अंदर हमें डॉलर दिस डीबी लिमिट लगानी है, जो भी इस वेरिएबल में लिमिट आ रही है वो, ठीक है। इसको वेरिएबल दे देते हैं फैच रिकॉर्ड, और हम ऊपर से कॉपी कर लेते हैं ये वाली कंडीशन, ठीक है, इफ़ वाली, ये हमने क्वेरी लिख दी और ये कंडीशन लगा दिया, नंबर ऑफ रोज है तो रिजल्ट रिटर्न हो जाए, एल्स, एल्स में भी रिजल्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं और अब हम आ जाएंगे हमारे मैनेज कैटेगरी वाले पेज के ऊपर। यहाँ पे हमने ये टी आर बनाया है, इसके अंदर हम लिखेंगे काउंट कैटेगरीज, अगर है तो फॉर ईच लूप चलेगा, ठीक है, कैटेगरीज एस कैटेगरी, और जहाँ पे टी आर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे हम इसको एंड फॉर करवा देंगे, एंड फॉर ईच। और एल्स में हमें देना है कि टी आर, ये हमने कितने कॉलम बना रखे हैं, जैसे पहले हमें गिनना पड़ेगा, तीन और दो पांच कॉलम है, तो इसको कॉल स्पैन पाँच देना है, कैटेगरीज नॉट फाउंड, ठीक है, अगर कोई भी कैटेगरी नहीं होगी तो ये वाला मैसेज आ जाएगा कैटेगरी नॉट फाउंड का। और आखिरी में हमें इस इफ को बंद करना है, ठीक है, एंड इफ कर दिया हमने, पेज रीलोड करेंगे, एंड फॉर ईच का एक एरर आ रहा है लाइन नंबर 47 पे, ठीक है, चेक कर लेते हैं हम, ये हमने कॉलन की जगह सेमी कॉलन लगा दिया, इसलिए अभी हमारे पास 6 कैटेगरी आ रही है, क्योंकि हमारे पास डाटाबेस में भी 6 कैटेगरी अवेलेबल है, तो ये 6 कैटेगरी यहाँ पे शो हो रही है। सबसे पहले हमें इसको इमेज को शो करवाना है, इमेज का जो पाथ रहेगा अपलोड्स फोल्डर, इसके अंदर कैटेगरी इमेज का फोल्डर, और उसके अंदर हमें देना है हमारे इमेज का नेम, ये हमारी इमेज आ गई, कैटेगरी नेम देना है कैट के अंदर कैटेगरी नेम, ठीक है। और जो ये हम जो नाम दे रहे हैं ये वो वाले नाम है जो हमने यहाँ पे कॉलम के नेम दे रखे हैं, जो हमारा कॉलम नेम रहेगा ये वो हमारे ये वाले नाम है, ठीक है। प्रोडक्ट अभी कुछ भी नहीं है तो इसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। और इसका स्टेटस कैसे निकालेंगे, कि अगर स्टेटस इक्वल इक्वल जीरो है तो यहाँ पे आ जाएगा एक्टिव, एल्स में आ जाएगा इनएक्टिव, ठीक है। ये हमने ये वाली कंडीशन हमने लगा दी, ठीक है, स्टेटस इक्वल इक्वल जीरो तो इक्वल होगा एक्टिव, एल्स इनएक्टिव इक्वल हो जाएगा, ठीक है। पेज को रीलोड करके देखते हैं, अनडिफाइंड वेरिएबल स्टेटस, ठीक है, क्योंकि हमने डायरेक्ट कॉलम का नेम दे दिया, सबसे पहले हमें ये देना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे फॉर ईच के अंदर इसको सिंगल रो में लिया है कैट के नाम से, ठीक है। रिफ्रेश करेंगे, ये एक्टिव, ये एक्टिव, ये वाला इनएक्टिव है, ज्वेलरी वाला, ज्वेलरी के अंदर क्या है एक पास है तो ये इनएक्टिव है, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, अब हमें क्या करना है, इसको लिंक बनाना है, ठीक है, इसको लिंक बना देते हैं, कि क्लिक करके हम देख सकते हैं कि इस कैटेगरी के कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, तो ये हमारा लिंक हो जाएगा। और अब हमें कैटेगरी के अंदर यहाँ पे भी लिंक बना देते हैं, तो इसको हम ऐसा लिख देते हैं व्यू ऑन होम पेज, ठीक है। आप इसको यहाँ से होम वाले साइट पे जाके भी देख सकते हैं, क्लिक करते हैं तो होम वाली जो साइट है हमारा होम पोर्टल, उस पर भी डायरेक्ट चला जाएगा ये,
इसके बाद हमें यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बनानी है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हमें क्या करना है कि जो क्लास दी है इसके अंदर ड्रॉप डाउन ट्रिगर के नाम से हमें क्लास देनी है, और इस क्लास को टारगेट देना है कि एक्शन ड्रॉप डाउन, ठीक है। और इस एक्शन ड्रॉप डाउन को हम दे देते हैं एक्शन ड्रॉप डाउन, ठीक है, यूएल क्लास ड्रॉप डाउन, कंटेंट आईडी इसकी रहेगी एक्शन ड्रॉप डाउन, ठीक है। और एल आई के अंदर हमें सबसे पहला जो लिंक बनाना है वो बनाना है एडिट, दूसरा लिंक हम बनाएंगे डिलीट, ठीक है। स्पेन क्लास फा एडिट स्पेस लगा देते हैं, और एक हमारा लिंक रहेगा डिलीट के नाम से, ठीक है, डिलीट। तो यहाँ से हम कैटेगरी को डिलीट भी कर सकते हैं, ये हमने आइकन लगा दिया, ठीक है। क्लिक करते हैं एडिट और डिलीट का, दोनों का हमारे पास ड्रॉप डाउन आ रहा है। और इसको हम क्लास दे देते हैं एक्शन ड्रॉप डाउन, ठीक है। एक्शन ड्रॉप डाउन के अंदर जो हमारा एंकर टैग है, कलर उसका हम रखना चाहते हैं ग्रे, फॉन्ट साइज हमें करनी है 14 पिक्सल, और इसका फॉन्ट वेट हमें बढ़ाना है, ठीक है। रीलोड करते हैं, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमने ड्रॉप डाउन दिया है उस पर हम लिंक भी बना देते हैं, तो इसका और इसका हमें लिंक बनाना है। तो बेस यूआरएल के अंदर हमें देना है कंट्रोलर नेम, और कंट्रोलर के बाद देना है, जैसे कि एडिट करना है तो एडिट कैटेगरी, और डिलीट करना है तो डिलीट कैटेगरी, तो हमें कैटेगरी लगा देनी है। और इसके बाद हमें कैटेगरी की आईडी पास करनी है कि कौन सी आईडी डिलीट करनी है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं एडिट कैटेगरी, और इसको हम लिख देते हैं डिलीट कैटेगरी, ठीक है। तो ये दोनों के लिए अलग अलग लिंक बन गया है, जैसे कि इसके लिए 8 नंबर वाली आईडी है, और जो सबसे नीचे आ रहा है उसका देख लेते हैं, उसके नीचे 6 नंबर वाली आईडी है, ठीक है। इसमें हमारे पास वापस से 8 नंबर है, क्योंकि ये अभी गड़बड़ हो रहा है कि सभी की आईडी सेम आ रही है, डुप्लीकेट भी आ रही है। अभी इसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, जो इसका टारगेट है उसके लिए हमें एक और चीज़ पास करनी है, जैसे कि इस कैटेगरी की आईडी क्या है, तो उसी कैटेगरी का ये ड्रॉप डाउन खुलेगा जिसमें हम माउस लेकर जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये इसको नहीं पता कि कौन सा ड्रॉप डाउन ओपन करना है, तो यहाँ पर ले जाके इस तरह से हमें आईडी का पास कर दिया, तो ये सभी के लिए अलग अलग ड्रॉप डाउन बना देगा। इस पर क्लिक करते हैं, 3 नंबर की आईडी आ रही है, इस पर क्लिक करते हैं 4 आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं 7 आ रहा है, ठीक है। तो अब ये प्रॉपर काम कर रहा है हमारा ड्रॉप डाउन। तो ये वाला पेज तो हमने बना लिया है, तो एक काम हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे, कि हमने कैटेगरी का पेज बना लिया, और यहाँ पे हमने कैटेगरी की लिस्ट को शो करवा दिया, ठीक है, और ड्रॉप डाउन बना दिया, उसके अंदर हमने लिंक को पास कर दिया है। और इस वाला जो लेक्चर का काम था हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है, और अभी हमारे पास डिलीट और एडिट करना है, तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर में रहेगा। तो इस लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही।